पुरानी गाड़ी किसकी है? बताया तो था तुम्हें, एक नई डील आई है, अच्छा कमीशन मिलेगा, बस कोई बकरा मिल जाए इसे खरीदने के लिए। है? ये खटारा कौन खरीदेगा? अगर कोई नहीं खरीदेगा तो इसे बर्थडे पे तुम्हें ही गिफ्ट कर दूंगा। आहा, मैं क्या करूँगी इसका बढ़ाया गिफ्ट देने वाला। फार्म हाउस के पेपर्स। सुनो, गाड़ी से पेपर्स ले आना। ठीक, क्या किया तूने? कब से आवाज लगा रहा था? आज तेरी वजह से मेरी अर्थी उठ जाती बेशरम कहीं का। देखो कैसे बिजली के खंभे की तरह खड़ा है।
10 साल हो गया अभी तक एक पंचर भी नहीं बना पाया। इंग्लिश फिल्मों ने इसका दिमाग खराब करके रखा। चप्पल से मारना चाहिए इसको। ये अभी तक नहीं सुधरा। कुछ गाड़ियाँ रिपेयर नहीं हो सकती शिवा, और ये उन्हीं में से एक खटारा है। तो तुझे 5 साल तो लग गए पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल करने में, अब आगे क्या करने का सोचा है? वैसे अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। वो कहते हैं ना, अपना खाना खुद ही पकाना। मतलब? मैं यहाँ तुम्हारे ही भरोसे तो आया हूँ नौकरी की तलाश में। मैं कब से एक असिस्टेंट के लिए बोल रहा था बॉस, इसे रख ले क्या? ए, श्याणा बन रहा है। तू ये क्या पी रहा है? ग्रीन टी बॉस। कैसा जॉब चाहिए तुझे? मेरे लिए जॉब कोई भी चलेगी, बस जेब नोटों से भरी होनी चाहिए। जेब तो भरी होगी और बोनस भी अच्छा मिलेगा। सच में? और नहीं तो क्या, आजकल एक ट्रेंडिंग जॉब चल रहा है और उसके लिए तू एकदम परफेक्ट है। कंपनी की गाड़ी, कंपनी का फोन, बस तुझे 25 से 50 फोन करने होंगे। यहाँ तक कि लड़कियाँ बिना तुझसे बात किए खाना तक नहीं खाएंगी। क्या बात है, ऐसी जॉब की तो तलाश है मुझे। तुमने दिल खुश कर दिया। सर, मैं इस वक्त झूलेलाल चौक पे हूँ। ओके सर। राइट नहीं लेफ्ट। अरे लेफ्ट नहीं राइट। हेलो। हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। खाना डिलीवर करेगा या भूखा सोना पड़ेगा? डिनर ऑर्डर किया था, ब्रेकफास्ट नहीं। कितना टाइम लगेगा यार? लिफ्ट बंद है भाई, सीढ़ियों से आ जा। कौन सा फ्लोर है सर? टॉप फ्लोर। अरे ये कितना बड़ा शहर है। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। आधी रात में डोर टू डोर जाकर मैं घंटी नहीं बजा सकता। ठीक है, तू डोर टू डोर घंटी मत बजा, तू एक ही डोर पर खड़े रहे। लोग खुद तेरे पास आएंगे और हर अमीर आदमी तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसी नौकरी चलेगी क्या? अरे दौड़ेगी नेकी और पूछ पूछ। काम वो दिला दो कि हाथ जोड़े सारे, सुपर ऐसा जॉब हो। मौका जो मिले तो पास में हो जाऊं, ध्यान सबका मुझ पे। ये भूख अलविदा हो, साइन ब्लैंक चेक पे, लख साथ मेरे यहाँ। और कितना ये लगे कदम गलत है, जिंदगी तो लिफ्ट करा। लख चलेगा, टाइम लगेगा। नमस्ते सर। शिवा। नमस्ते सर। ये क्या कर रहा है? बुरा सपना देख रहा होगा। नमस्ते सर। सर ओके सर, कल शाम तक गाड़ी रेडी हो जाएगी सर। ठीक है, रखता हूँ सर। बात तो इस एटीट्यूड में कर रहा है जैसे BMW ला कर दिया हो। शिवा, आज काम पर क्यों नहीं गया? लोटा इधर देना। ये ले। क्या कर रहा है? अरे लग जा। मैंने तुझसे सीधी साधी नौकरी के लिए बोला था, लेकिन हाँ हाँ, तेरे जितने परसेंटेज है उसमें तुझे कलेक्टर बना देंगे क्या? अगर मैं इतना भगवान के सामने झुका होता तो वो मुझे कलेक्टर मम्मी। अबे अबे क्या कर रहा है? अबे थोड़ा ऊपर उठा। अबे तुझे ही बोल रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा ऊपर ले। ये क्या? पता नहीं। कैब ड्राइवर बनो और महीने का 1 लाख कमाओ, ये कैसे हो सकता है भवन भाई? कुछ ड्राइवर लाखों में कमाते हैं भाई, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कैब ड्राइवर कमाते हैं। अच्छा, कैसे? वेट किया तो वेटिंग चार्ज, नाइट किया तो नाइट चार्ज, और ट्रैफिक में सर चार्ज। अरे भाई ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पैसेंजर से ज्यादा खुशी कैब ड्राइवर के चेहरे पर होती है। दिन भर आराम से AC कार में घूमते रहो। इतनी अच्छी नौकरी होते हुए भी तुमने मुझे गधों की तरह काम क्यों करवाया? अगर तुम्हें कैब ड्राइवर बनना है तो कैब चाहिए, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे चाहिए? वैसे कितने चाहिए होंगे? 5 से 6 लाख। और अगर तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली तो उसके लिए भी 2-3 लाख तो लगेंगे। 2-3 लाख? इसीलिए तो नहीं बताया। 2 से 3 लाख। भाभी। कैसे हो शिवा? मैं तो अच्छा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो।
अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। वैसे भैया कहाँ है? कैब ड्राइवर का आइडिया तो अच्छा है, मगर जो कुछ पैसे बचा कर रखे हैं वो इसकी डिलीवरी के लिए हैं। पहली डिलीवरी का तो तुम जानते हो, मगर इस बार अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहता हूँ। ऐसे वक्त पर पैसों की जरूरत पड़ सकती है हमें। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? फिर उसके बाद एक औरत अपना गहना सिर्फ दो लोगों को देती है, एक उसका पति और दूसरा उसका बेटा। कितना भी बुरा वक्त आया हो, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा, सही इस्तेमाल करना। जी भैया, चलता हूँ भाभी। अरे चल जा। हम अगले हफ्ते आ रहे हैं शहर तुमसे मिलने, फोन करूंगा, फोन उठा लेना। भैया कैब लेने के बाद आप दोनों को पूरा शहर घुमाऊंगा। बाय। सिंग सॉन्ग यारा धुन में गा, अब देखो मैं तो किंग बना, सबने जो कहा सच था, डिंग डोंग ऑल इज वेल यहाँ। मेरे लिए ना कोई GST, पर घटे ना मेरी रॉयल्टी, राजा बिन प्रजा का मैं, ये दुनिया मेरी मुट्ठी में। क्या हुआ भाई, ये साउंड कैसे है? तुम्हारे बजट में या तो गाड़ी की बॉडी मिलेगी या फिर गाड़ी का इंजन, दोनों नहीं। ए, भगवान को आधा नारियल चढ़ाता है और हमसे पूरे पैसे मांगता है। इडियट कहीं का आ गया था। क्या करे शिवा, चल 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 चल। आखिरकार हमें अच्छी गाड़ी मिल ही गई। सही। क्या हो गया? अरे 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 अरे, गाड़ी से फास्ट तो उसका टायर भाग रहा है। तो रुक, मैं टायर लेकर आता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मेरा नाम मूर्ति है। तो क्या करूँ? सुना है आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है सर। अच्छी गाड़ी के लिए मेरे पास बजट नहीं है यार, फोन रखना। मैं आपके बजट में गाड़ी दिखा सकता हूँ सर, एक बार देख तो लीजिए। ओके सर, लोकेशन व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, आप सुबह 8 बजे आ जाइए, मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। ओके सर, बाय। सुपर कंडीशन है सर, कोई एक्सीडेंट नहीं, कॉस्टली इंटीरियर, ओनर को अर्जेंटली पैसे चाहिए थे, आप पहले कस्टमर हैं जिनको गाड़ी दिखा रहा हूँ। आइए सर। ये तो गाड़ियों का शमशान लग रहा है, यहाँ क्या दिखाएगा? वो रही। ये रही सर गाड़ी, थोड़ा पीछे हो जाइए सर, धूल उड़ेगी। हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा, 25 साल पुरानी गाड़ी, तो इसका क्या करेगा, चल जाकर दूसरी गाड़ी देखते। चल एक मिनट रुक जाइए ना, गाड़ी दिखने में तो अच्छी लग रही है, एक टेस्ट ड्राइव लेके चेक कर लेते हैं। ये एक खटारा है, इसकी टेस्ट ड्राइव मिलेगी क्या? ये लीजिए। अरे टाइम वेस्ट मत कर शिवा, तुझे इससे अच्छी गाड़ी मिलेगी। हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब कैसे सुनाई देगा? ये स्टार्ट भी नहीं होगी। हाँ
भी या नहीं? क्या कर रहा है तू? To the left, in these days I hustle hard, trying to find a car that was meant. Switching lanes as I switch gears, as I drift to the sea. You feel with the pedal to the max, as we get drunk in the ass. I'm so close. Look. क्या कर रहा है तू ये? मुटी भाई, अब तो कमाल हो भाई। तू इधर आ, चल। अब तुम्हें क्या हो गया? ए, तुझे अच्छी लगी? क्यों, तुम्हें नहीं अच्छी लगी क्या? जबरदस्त गाड़ी है यार। अरे इतनी बड़ी गाड़ी तू पार कहाँ करेगा? तुम्हारे गैराज में। अरे सुन, अभी ये खटारा है, इसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का क्या? इसके लिए तू है ना यार। शिवा, मेरी बात मान, शिवा ये खटारा से कम नहीं। अरे यार, इस गाड़ी का एक कैरेक्टर है, इसका इंटीरियर और मेरा एक्सटीरियर परफेक्ट मैच है यार। मुझे तो ये गाड़ी चाहिए बस। अगर ये गाड़ी इसे इतनी पसंद है तो खरीदने दो ना। सही बोला। ठीक है, तू यही रुक, मैं पैसे की बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या कीमत है इसकी? सिर्फ 4.5 लाख सर। तुम्हें इस खटारे का 4.5 लाख चाहिए? मेरे पास 1.5 लाख कैश है, उससे एक पाई भी ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करना है? एक मिनट रुको, तुम तो 4.5 में दे रहे थे, फिर इतने कम में क्यों दे रहे हो? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं तुमसे नहीं, गाड़ी के मालिक से बात करना चाहूंगा। मालिक से? वो पॉसिबल नहीं है सर। ए बबन, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डील अच्छी है, गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तू इसमें अपनी टांग मत अड़ा। चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है इस खटारे का कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, अगर ऐसा हुआ तो तू बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। मालिक से मिले बिना हम इसको नहीं खरीदेंगे, समझा? चुप कर तू। वो मालिक काफी बिजी हैं सर, बहुत दूर रहते हैं, मैं करता हूँ ना रजिस्ट्रेशन। सवाल ही नहीं उठता, हम मालिक से मिलेंगे और वो हमारे सामने पेपर पर साइन करेगा। सिंगल पेमेंट, वरना डील भूल जाओ। ठीक है सर। तो ठीक है। अगर मुझे ये सब करना है तो तुझे क्यों रखा है? वो सर, सर मैंने ही जिद की थी, मैंने सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। शिवा, डॉक्यूमेंट्स। वैसे आप करते क्या हैं? None of your business. Oh, business. वैसे आप ये गाड़ी बेच क्यों रहे हैं सर? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। सर, आप अपनी गाड़ी बेचकर बिल्कुल भी दुखी मत होइए सर। आपको जब भी गाड़ी को देखने का मन करे बस मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। ये गैराज का नंबर है, 0 की जगह 8 लगा दीजिएगा, प्रिंट में मिस्टेक हो गई। आउट। चलिए सर, प्लीज चलते हैं यहाँ से। क्यों आउट हो गए? क्रिकेट चल रहा है क्या? अब चलिए ना सर। 1.5 लाख की गाड़ी ली है मैंने और इसने एक कप चाय भी नहीं पूछी। तू इस खटारा का क्या करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया जो तूने इस गाड़ी को खरीदा? मॉडल तो देख, ना कोई स्टाइल, ना कोई क्लास। तूने बड़ी गलती कर दी शिवा, बहुत बड़ी गलती।
चाय लाया हूँ भाई। हेलो, कौन हो तुम? बहुत रह लिया यहाँ, चलो निकलो यहाँ से, चलो। तू भी ना मेरी तरह जिद्दी है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। मैडम, आपने कैब बुक की है क्या? तुम ड्राइवर हो? हाँ मैडम, मैंने कैब बुक की है। हाँ चलिए। ड्राइवर नहीं, कैब भी यही है, चलिए। मैंने कैब इस जगह से बुक की है तो कैब यही आएगी, जाओ। मैडम, अब तो कैब भी यहाँ आ गई है, बैठिए। मैडम, क्या हम पहुंच गए? एक डाउट है, यहाँ से जाना किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर? नहीं, नीचे की तरफ। ये कोई लिफ्ट नहीं है जो ऊपर नीचे जाएगी, लेफ्ट जाना है या राइट? हेलो मैडम, अरे सुनिए यार, ये तो सो गई मैडम। अरे अनुषा मैडम, यार ये लड़की तो पूरी तरह से टल्ली है। हेलो, अगर आप ऐसे ही सोती रहे तो मैं आपको छोड़ूंगा कहाँ? सॉरी, आप मुझे गलत कमाल है यार, अब मैं क्या करूं? मौसम बेईमान हो रहा है।
ऊपर वाले, वो तो अच्छा है कि मैं एक नेक इंसान हूं, वरना अरे हट, बेवड़ी कहीं की, अपना फोन तक चार्ज नहीं किया। यार मैं इसे कहां ले जाऊं? इतनी शराब पीने के लिए किसने कहा था? जिस हालत में तुम कल रात थी, उस लड़के की जगह कोई और होता ना, तो इस वक्त हम तुम्हें ढूंढ रहे होते, समझी? ये लो, खुद गलतियां करते हो और उसके बाद आकर पुलिस से कंप्लेंट भी करते हो। मैं अपना फोन चार्ज कर लूं। ओके सर, थैंक यू, 5-star रेटिंग दीजिएगा। हेलो। हाय, मैं अनु। कल रात ओ मैडम, जाग गई आप? या कभी सोचा नहीं था पुलिस स्टेशन में सोकर उठूंगी, बट थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम, रात का वक्त था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे आप अभी घर कैसे जाएंगी? ऑटो ले लूंगी। व्हाट? हे हाय, वाओ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नाइट ड्यूटी, सोचा आप उठते ही कॉल करेंगी, इसलिए आसपास ही भटक रहा था। ऐसा क्यों? मैंने कल रात बिल नहीं दिया क्या? जी नहीं। मेरे पर्स में कैश नहीं है, हॉस्टल चलकर दे दूं? ठीक है। नहीं नहीं, मैं आप पैसे लेने नहीं आया, मैं अपना जैकेट लेने आया हूँ, 1,000 रुपए का है। ओके। कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसे वॉश करके मैं कल लेने आ जाऊंगा। तुमने कहा था जैकेट लेने आया हूँ। तुमने भी तो कहा था तुम्हारी पर्स में पैसे नहीं है। स्मार्ट। घर के बहाना तो ठगले में मैडम की आग बड़ी है तेज, मंजिल एक है, राहे अनेक है, राही तू चलता रहे, राहे अनदेखी खुलती आँखें देखे, ये बहती हवा से जीवन खिल जाए, ये वह पर नैनों से आंसू ले जाए। कितना है सर? 15,000 पूरे हैं, तीन लोग खुद ही। जैकेट और मैं वॉश करके दे दूंगी। वॉश करके देती हूँ। घायु मन की आग बड़ी है तेज, मंजिल एक है, राहे अनेक है, राही तू चलता रहे, राहे अनदेखी खुलती आँखें देखे, ये बहती हवा से जीवन खिल जाए। बबन, ये अनु है। हाय। ये डॉक्टर और ये हॉलीवुड। नमस्ते। चलिए।
अमेजिंग शिवा। क्या रोमांटिक सीन है बॉस, क्या जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। छोटे छोटे छोटी खुशियां पाले तू, जिंदगी है थोड़े पल रह जाए बाट ले। ओ, 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 मन कहे मान ले, ये सच्चा साथ है, साया बन संग चल, काम आ सकूं ये सिखा। कई तकलीफे जब कर खाली, तेज चले गाड़ी तेज चले, टेढ़ी बेढ़ी राहे शहर भी बदले, धीमी ना चले धीमी ना चले, मेहनत रंग लाए। अरे बॉस पानी तो डाल देगा ना, ये कैरेक्टर है वाह। चाह रंग ले ये चल बूंदों से भीग जा, गाड़ी साफ कर। अरे ये क्या गाड़ी तो एकदम चकाचक है। के बहाना तू ठग ले रे भाई, मन की आग बड़ी है तेज, गहरा है अनेक गहरा ही तू चलता रहे। ये दवाइयाँ आपको 3 महीने तक लेनी होंगी। 25,000 सर। 25,000? अब मेरी पहले महीने की सैलरी, अब बिल लो। मेरे भैया भाभी ने मेरी वजह से लाइफ में बहुत दुख देखे हैं। मैं हमेशा उनकी मदद करना चाहता था लेकिन कभी कर नहीं पाया। आज मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। जब मैं किसी नौकरी में फिट नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं। बहुत डर गया था मैं, और वो डर मुझे खा रहा था। फिर तुम मेरी लाइफ में आई। लाइफ ने यू टर्न लिया। सच कहूं तो ये सब मेरी भाभी के आशीर्वाद की वजह से हुआ, जिनका दिल सोने जैसा है। फिर मुझे तुम मिले। I love you. मानता हूं ये सब मैं नशे में बोल रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सरप्राइज। फ्रेंड्स।
बिल्ली होगी यार। एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लगेगा सर। क्या एक घंटा? अरे ये गाड़ी है, ये बैल गाड़ी, ऐसी खटारा गाड़ी चलाकर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक आइडिया है सर, नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट भी फ्लाइट बुक करके जाना। है? गाड़ी रोड पर चलेगी तो ट्रैफिक होगा ना यार, एक घंटा तो लगेगा ही। सी यू आर टॉकिंग टू मच। अबे खजूर सामने से हट, तू क्या घुमा के। ठीक है मैं सो जाता हूँ, एयरपोर्ट आए तो जगा देना। थैंक यू सर, अगली बार अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट जाऊंगा। चिल्ला क्यों रहा है? अरे तुम्हारी गाड़ी में ये है क्या? छोड़ मुझे। अरे देख के नहीं चला सकता क्या? अरे हट हट। अरे रुक जा, अबे मेरे पैसे। गाड़ी साइड में लगा। अबे चल चल, पहले तेरी गाड़ी था, चल निकल। मुझे तो वो चेहरे से ही धोखेबाज लग रहा था, मैंने उसका भाड़ा ही क्यों लिया यार। ओए प्रॉब्लम क्या है, चलना। तू चिंदी कहीं का, फालतू में गाड़ी का भी नुकसान हो गया। पता है तुम्हें फेशियल का, हेयर कट का, मैनिक्योर का, पेडिक्योर का और बिकनी वैक्सिंग का टोटल 14,000 पार्लर का बिल हुआ है। चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है, इतना खर्चा क्यों करना है? क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? यार आज का पहला ही पैसेंजर फालतू निकला, जिसकी वजह से गाड़ी में डेंट लग गया। ओह आई सी। पूरा मूड अपसेट हो गया यार। जब तुम्हारा मूड अपसेट हो तो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प लो। अभी सेट हुआ मूड? अभी तो शुरू हुआ है। जितना प्यार तुम इस गाड़ी से करते हो, अगर उतना प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से करते तो ऐसा ऑफर रोज मिलता। हे, कहाँ जा रही हो तुम? अनु 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 अनु, यार ये तो चीटिंग हुई ना। अरे जो शुरू किया उसे खत्म तो करो, देखो मेरा मूड फिर से अपसेट हो जाएगा। अनु अनु, हे अनु, प्लीज यार। अनु बात सुनो, कुछ ज्यादा ही भाव खाने लग गई है। हेलो, मैंने अभी कैब बुक किया।
अकाउंट तो... सर रास्ते में हूँ। सर कैब का ड्राइवर बोल रहा हूँ, गेट के पास हूँ सर। मुझे आधा घंटा और लगेगा, वेट करो, वेटिंग चार्ज दे दूंगा, ओके ना? हाँ ओके सर। वॉचमैन सर हैं क्या? साहब तो बंबई गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। एजेंट का फोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि उस आदमी पे भरोसा मत करना, वो ठीक नहीं है। ए, कम से कम अब तो इस गाड़ी को बेच दे, ये मुसीबत किसी और के सर चली जाएगी। सब जानते हुए हम किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते, खरीदने वाले को पता चल गया तो। डोंट फियर, आई एम हियर। किस सेकंड हैंड फकीर को उठा लाया है? तो क्या अपने बजट में मंदिर का पुजारी मिलेगा? नमस्ते स्वामी जी। बोलो बच्चा, समस्या क्या है? समस्या आपके सामने खड़ी है। गाड़ी तोड़ रहा है क्या? अरे इसको पता भी है कि किससे टक्कर ले रहा है? पता है। ये चार बूंदों वाला उजाला है क्या? मो बंद हाथ आगे। लगता है स्वामी को भूत पकड़ लिया है। तुम तीनों के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, उसने तुम्हारे डर को भांप लिया है। अगर आत्मा को शांत करना है तो तुम लोगों को अपने खून की बलि देनी होगी। अगर चाहते हो आत्मा दोबारा गाड़ी में ना आए तो पहले गाड़ी को शमशान ले जाकर भगवान वीरभद्र का ताबीज बांधना होगा और फिर इस आत्मा को शांत करके भगाना होगा। यही एक रास्ता है। ठीक है स्वामी जी। शुरू हो जाए हॉलीवुड। जब तक मैं मंत्र का जाप पूरा नहीं कर लेता, खून का बहना रुकना नहीं चाहिए, खून की बलि देते रहना। हाँ ए भगवान, शिवा तेरी बारी। पिछली बार एचआईवी टेस्ट के लिए खून दिया था। मेरी तो उंगली ही सूख गई है। ए, ये क्या कर रहा है तू? हाथ की उंगलियां खत्म, इसलिए पैर की उंगलियां भाई। ए हॉलीवुड, तू तो स्मार्ट निकला है बचपन से। एक मिनट रुको, आधा घंटा बोल के गया था स्वामी, लेकिन दो घंटे हो गए हैं। एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। Yeah.
ये भूत तो बहुत भूखा है भाई, इंजन ऑयल भी पी लिया भाई। ये कोई भूखा हुआ नहीं है, वो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करवा के खुद गाड़ी लेकर 9:11 हो गया। व्हाट अ फकीर। चलो भाई उसे पकड़ते हैं और उसका खून चूस लेते हैं। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? उसने गाड़ी नहीं चुराई, हमारी मुसीबत अपने साथ ले गया है। अगर मैं जाके इंश्योरेंस क्लेम करूंगा तो मुझे गाड़ी के पैसे मिल जाएंगे और ये मुसीबत भी टल जाएगी। सुपर आइडिया, ऊपर वाले ने मेहरबानी की है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। यानी अपना ब्लड डोनेशन वेस्ट नहीं किया भाई। अरे कभी तो जवाब दिया कर। ए, तेरा मुंह वेस्टर्न टॉयलेट की तरह क्यों खुला हुआ है? हाँ क्या हो गया इसे? शिवा, अरे क्या हुआ? शिवा इधर आ। क्या हुआ? अरे इधर आ। ये यहाँ वापस कैसे आ गई? ये तो गाड़ी चोर है। ए, तो चुप बैठ। सांस चल रही है इसकी, बाहर निकालो उसको जल्दी। अरे क्या? ओके ओके। ए छोटे इधर आ। जा जा जा। एक तो गाड़ी चुराता है, ऊपर से मेरे आदमी को मारता है। अरे गाड़ी चुराया तो क्या जान लेगा बच्चे की? अरे क्या मतलब है तेरा? एक मिनट बबन, ये बता तो इसे वापस यहाँ क्यों लाया? और मैं कहाँ लाया, ये गाड़ी मुझे लेके आई। लोग शौक के लिए कुत्ता भी नहीं पालते हैं और तुम लोग भूत पाल लिए। अगर एक मिनट मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। मैं निकलता हूँ यहाँ से। नीचे लगा कि हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई। ओनर का पता लगने तक तुम गाड़ी के पास भी मत जाना शिवा। हाँ भैया। हेलो शिवा। 3 दिन के अंदर दूसरा इंजेक्शन देना है, तुमने कहा था ना तुम पैसों का इंतजाम कर दोगे, इसलिए फोन किया। हो जाएगा भैया। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। ओके भैया। तुम्हें सच बताना चाहिए था। मैंने अपने भैया को जुबान दी है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये भले ही मुझे मार डाले, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नो 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 ये स्कैरी कार। मैम मैं लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ। स्वेट मेरा निकले यार। चलते हैं। भूत प्रेत ने पकड़ लिया, धर के गिरे बांध जाने न दिया।
नींबू मिर्ची पे टायर चढ़ा है क्या, भला बुरा जाने क्यों हो रहा, नो 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 ये स्कैरी का नाम से इसके स्वेट मेरा निकले यार। डोर खुले तो मन ये घबराए, फेट ने उल्टा पलटी उमारी, टूटी किस्मत जोरों से हंसती, दुविधा कानों के पर्दे नोचती। सर मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? पर्सनल प्रॉब्लम है सर। हा? तुम्हारा मतलब वो घोस्ट नहीं दोस्त है? हाँ दोस्त है, वरना वो मेरी जान क्यों बचाता? होली घोस्ट? जब उस फकीर ने गाड़ी चुराई तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी। मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ लेकिन मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, तो वो हमारा दोस्त हुआ ना। सुनो भाई, जब भी मैं कभी गलती से कार का डोर बंद करना भूल जाता हूँ, वो हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह बंद कर देता है। एक बार सीएम की गाड़ी चोरी हो सकती है लेकिन मेरी गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सिक्योरिटी, कार को क्लीनर की भी जरूरत नहीं, कितने सारे फीचर्स हैं, हर तरफ से अपना ही तो फायदा है यार, है कि नहीं? वो बैठने के लिए सीट भी नहीं मांगता, और क्या चाहिए मुझे? दोस्त है तभी तो उसने मेरी जान बचाई। तो सही बोल रहा है शिवा। मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है। क्या? हम दोनों दोस्त बनेंगे। शिवा वो भूत है, उससे दोस्ती कैसे करेगा? इसमें क्या गलत है? दोस्ती के लिए शरीर का होना जरूरी नहीं भाई, एकदम हॉलीवुड स्टाइल भूत से दोस्ती। सर नाइट शिफ्ट मैंने स्टार्ट कर दी है। इसे क्या हो गया? फ्रेंड्स? Thank you, bro. Water, crazy car. मेरे लिए ये lucky car है यार. Okay then, bye. Bye. कोई देख लेगा? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये तो जरूरी नहीं ना कि हर कोई दिखाई दे। सुनो, पिछले कुछ दिनों से तुम जो भी बोल रहे हो सब बाउंसर चला जाता है। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज क्या है वो? अभी रात हो गई ना, इस वक्त नहीं, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। हे, तुमने मेरे लिए कुछ प्लान किया है ना? हाँ, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। सच में? ओके तो वेट करती हूँ। बाय बाय। भाई गाड़ी खाली है? हाँ, थोड़ा सामने ही जाना है। सर सॉरी सर, आज की ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा हूँ सर। ऐप से आप दूसरी कैब बुक कर लीजिए, उसमें आपको बिल भी मिल जाएगा। सॉरी। बिल के बारे में तो तुम्हें आइडिया होगा ही, जो भी होगा मैं दे दूंगा। प्लीज, मैं एक डॉक्टर हूँ, हेल्प कर दो प्लीज।
ठीक है बैठिए. थैंक यू 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 ब्रदर. सर आपको नाइट चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. श्योर 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 मैं दे दूंगा. बड़ी अनोखी गाड़ी है तुम्हारी. मेरे दोस्त के पास भी सेम ऐसा ही मॉडल है. कुछ भी कहो विंटेज कार्स की बात ही अलग है. हाँ सर इनकी क्वालिटी कमाल की होती है. करेक्ट सर. इस गाड़ी के आते ही मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए. अगर मैं अपनी डिग्री पर भरोसा करता तो आज भी सड़क पर खाक छान रहा होता. देखो भाई असल में पढ़ाई और कमाई में कोई लेन देन नहीं. अगर ये कोई और कहता तो मान लेता लेकिन एक डॉक्टर के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती. तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. और नहीं तो क्या सर. कंसल्टेशन का 1,000 रुपए, वैक्सीनेशन का 2,000 रुपए और अगर ऑपरेशन कराना हुआ सर तो फिर तो गहने वहने सब बिक जाते हैं. ओ सर क्या बताऊं मैं. पैसे तो आप ही लोग कमा रहे हैं सर. कर लेते हो. सर क्या हुआ सर. सर 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 क्या हुआ सर. क्या हुआ. क्या कर रहे हो तुम. हे क्या कर रहे हो तुम. पागल हो गए क्या. छोड़ो नहीं. अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. ये क्या हो रहा है यार. आगे लो आगे आगे. हाँ सीधा गेट बंद कर. हाँ ठीक है करता हूँ. क्या है ये. शिवा फिर मौत को अपने साथ लेके घूम रहा है. अगर लाश को वहीं छोड़ देता तो अभी जेल में होता. अच्छा हुआ डॉक्टर ने कैब ऐप से बुक नहीं की थी वरना अभी ये सलाखों के पीछे होता. ए, 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 शिवा, शिवा, शिवा।
क्या हुआ? कान बंद करो, क्या हुआ? ए, जा पानी लेकर आ। अभी लाया। ए, अगर तुझसे संभलता नहीं तो इतना पीता क्यों है? ए, 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 तू रो क्यों रहा है? मुझे लगा ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसने बिना रहम के मेरे उस डॉक्टर को मार डाला। मेरी वजह से एक निर्दोष इंसान मारा गया। इस कार की ए, तो ए, शिवा, बस कर, कितना पिएगा? कंट्रोल करो भाई। ये मेरा ही दोष है भवन। तुमने कितनी बार मुझे समझाया, इसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने सोचा ये अच्छी आत्मा होगी। शांत हो जाओ भाई। अभी समझ आया मुझे, इसने मेरी जान नहीं बचाई, इसने अपने आप को बचाया है। ये भूत अपने आप को बचा रहा है। मैं हर रोज गाड़ी में होता हूं लेकिन इसने मुझे क्यों नहीं मारा? हाँ हाँ, ओह, क्योंकि इसे पूरे शहर में घूमने के लिए मेरे जैसा एक ड्राइवर चाहिए था। तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है ना? हाँ, तेरी तो एक ही रात में इसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस तरह से मुझे घूर क्या रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अगर रास्ते में यमराज मिल जाए तो उससे लिफ्ट नहीं मांगना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। सही बोला तू, एक आदमी को मारने के बाद धीरे पर खून सवार है, फिर भी तू पंगे क्यों ले रहा है? सही कहा पवन तूने, मुझे अपना गुस्सा इस गाड़ी पर नहीं, इस गाड़ी के ओनर पे निकालना चाहिए। अभी तूने काम की बात की, जब भी वो आएगा हम मिलकर उसे धोएंगे। जब भी क्या होता है पवन? मुझे अपने पैसे अभी चाहिए इसी वक्त। अरे वो शहर में नहीं है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है बबन? उसके घर में घुसेंगे और जो भी महंगी चीज होगी उसे ले आएंगे। मुझे मेरे 169,000 रुपए चाहिए बस। ए, रुक रुक रुक, इसमें बड़ा रिस्क है शिवा। अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अबे फटी हुई टायर। बबन भाई, आज रात को ही हम इसे अंजाम देंगे चाहे कुछ भी हो। गाड़ी स्टार्ट करो बबन भाई। मगर क्यों? द नाइट ऑफ द हंटर, हंटिंग नाइट। ए शिवा, हाथ छोड़ना है अब। बॉस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ज्यादा उछल मत। दरवाजा तो बंद है। तुझे क्या लगा यहाँ तेरी कोई आरती उतारेगा? शिवा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल निकलते यहाँ से। ओनली फॉरवर्ड, नो बैकवर्ड, फॉलो मी। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखने का कुछ तो फायदा हुआ, चलो अंदर। संभल के भाई, क्या देख रहा है? मुझे लगता है ये घर की मालकिन है। और मरने के बाद गाड़ी में भूत बनकर घूम रही है। जब लोगों को रहना ही नहीं होता है तो इतना बड़ा घर क्यों बनाते हैं? अगर तुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ कोई नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ कोई है? अरे चुप रहो यार, अपना काम करो। शिवा शिवा, मैं वो रूम चेक करता हूँ। सुन, यहाँ मेरी पैंट गीली हो रही है, तुझे कोई डर नहीं लग रहा है? यहाँ बच्चों की तरह डरते रहते हो। आई एम हियर, नो फियर, फॉलो मी। डर के आगे जीत है। इतने टेंशन में भी ये डायलॉग मार रहा है। अरे अरे, हॉलीवुड हॉलीवुड। शिवा, अरे बाप रे, ये बोतल मेरा डर भगाएगी। ओढ़ का, अभी तोड़ के पीता हूँ। शॉपिंग मॉल वाली डॉल, बॉस को गिफ्ट करूंगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ,
No ice, no problem. Only drinking. Drinking, drinking. लगता है ये भूत मेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। तू है हॉलीवुड? तू निकाल इसको। आजा आजा हॉलीवुड बाहर आजा। ये क्या है हॉलीवुड? अरे नहीं यार, अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे मारना चाहते हो क्या? मैं पीछा क्यों कर रहा था? मैं क्या तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो भयानक आवाज सुन के मैं डर गया इसलिए भागने लगा। मतलब तू वहां नहीं चिल्ला रहा था बॉस? तुम मतलब तू भी नहीं? मैं जाके देखे कहाँ जा रहा है। वहाँ पे कोई है? ये बोल रहा हूँ कि अंदर मत जा, निकलते यहाँ से। वो डॉक्टर जिसकी मौत रेलवे ट्रैक पर हुई, उसका कोई ना कोई कनेक्शन इस घर से जरूर है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं अंदर जा रहा हूँ। हॉलीवुड, तुझे यकीन है कि वो भयानक आवाज इसी कमरे से आ रही थी? 100% यहीं से आई थी। ये कमरा अपने गैरेज से भी घटिया लग रहा है। हे शिवा, शिवा, यहाँ मकड़ी के जाले और कॉकरोच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शिवा, शिवा, बबलू भाई, हॉलीवुड, उठना। How are you feeling now? I'm fine. Thank you. क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी ठीक है ना? Yeah. I'm fine. क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं और वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ का ओनर कौन है? बताता हूँ। पर उस वक्त उस घर में तुम लोग चोर तो नहीं? उसे नीचे रख, रख। एक्चुअली वहाँ के ओनर ने मुझे गाड़ी बेची। शिवा, आपको सुनने में ये जरूर अजीब लगेगा, लेकिन आप मेरा यकीन करिए। उस गाड़ी में भूत है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि ये गाड़ी आप क्यों बेच रहे हैं? हमने सोचा वो पता नहीं क्या करे, इसलिए हम उस घर में घुस गए और वहां आप हमें मिले। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? हाँ सर, अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, अमेजिंग, द एक्सपेरिमेंट वर्क्ड, माय प्रोजेक्शन इज सक्सेसफुल, माय प्रोजेक्शन इज सक्सेसफुल। क्या अजीब इंसान है ये, हम इसको इतनी सीरियस बात बता रहे हैं और ये हमारी बात सुनके खुश हो रहा है। आई एम सॉरी। क्या वो गाड़ी पुरानी मॉडल की कॉन्टेसा है? क्या आप उस कार के भूत के बारे में जानते हैं? वो कोई भूत नहीं है, ना ही कोई आत्मा है। उसका नाम सिसीरा है और वो मरी नहीं है। आ, 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 आ,
साइंस, हम जानते हैं या फिर हम जानने का दावा करते हैं। पैरा साइंस, पैरानॉर्मल साइंस और सूडो साइंस हम नहीं जानते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिजिकल लॉस के साथ इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इट डील्स विद समथिंग बियॉन्ड बियॉन्ड द कंफर्ट ऑफ योर बिलीफ एंड मे बी जस्ट मे बी बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। सर क्या आत्माएं होती हैं? क्या आप ही मानते हैं? जब बच्चे खाने से इनकार करते हैं तो उन्हें भूत के नाम से डराया जाता है। यह सच है या झूठ है क्या पता। जो विचार माँ अपने बच्चे के दिमाग में डालती है खाना खाने के लिए वो है डर। इस डर के कई नाम है, भूत प्रेत आत्माएं, जिन बातों का जिक्र टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता या जो हम नहीं जानते उसे झूठ मानते हैं। आत्माओं के अस्तित्व को अंधविश्वास समझकर नहीं मानना या फिर उन पर यकीन नहीं करना बेवकूफी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पैरानॉर्मल टॉपिक, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। टर्न टू पेज नंबर 39। शरीर आत्मा, फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी। हम अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस हम जिंदा रहते हुए भी आत्मा को शरीर से निकाल सकते हैं। यू नो व्हाट, इट इज सेड दैट जो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है वो एस्ट्रल प्लेन में रहने वाली दूसरी आत्माओं के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट। लेकिन बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ये ट्राई करना बहुत खतरनाक है। हाल ही में एक लड़के ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए अपने पूरे परिवार को मार डाला। सैड बट ट्रू। कल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यू गाइस कैन लीव नाउ। सिसिरा, तुम गई नहीं? सर क्या आप मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? व्हाट? सर एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैं करूंगी सर, अगर आप हेल्प करेंगे तो। सिसिरा, आई नो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हारी उम्र में मैंने भी ट्राई किया था। प्लीज सर। सुनो सिसिरा, ये सारी बातें पढ़ने में अच्छी लगती है, इसे कभी ट्राई मत करना। इस बात को दिमाग से निकाल दो और घर जाओ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ओके? सर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने बताया, एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप गाइड कर दे तो। प्लीज सर। प्लीज व्हाट? यू थिंक दिस इज फनी? डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लेसिबो इफेक्ट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना वेयर द पेशेंट और रेसिपिएंट फील्स हिज कंडीशन इज इंप्रूव्ड। सॉरी गाइस, वी विल कंटिन्यू दिस लेटर टुमारो। Thank you. मेरे लिए जरूरी है सर। Why? अर्जेंट बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है। तुम रघु के साथ चली जाओ। इट्स ओके, आई विल मैनेज। बाय। ओके, लाओ फाइल दो मुझे। माँ मेरी बात तो सुनो, तुम कभी तो सुन लिया करो मेरी बात। मैं जब भी कुछ कहना चाहती हूँ सुनती ही नहीं हूँ। टाइम से बात करना ही बेकार है। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी बोला ना बाबा। गलती भूला के मैं तू और हम हो संग हर जन्म, प्रेम से रहे सदा रिश्ता हो ना खत्म। हैप्पी बर्थडे टू यू सिसिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
थैंक्स मॉम, ग्रेट पार्टी। हाँ सरप्राइज। ये क्या है? नई कार, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, नई कार की जरूरत नहीं है। कम ऑन सिसरा, तुम उसे कार कहती हो? दैट इज नॉट एट ऑल सेफ, इसलिए मैंने ये कार ली है। विद एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी ऑन ए ब्रांड न्यू BMW कार। ग्रीष्मा का भी तो वही। मेरी कॉन्टे से कहाँ है? वो मैंने स्क्रैप यार्ड में भेज दी है। सिसिरा, सिसिरा। कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? हुँ? मैनेजर हो, मैनेजर ही रहो, मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद अगर मेरी चीजों को छुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना तुम? सिसरा, सिसरा क्या कर रही हो? What's wrong? That is just a car. रघुराम ही तुम्हारे डैड है, एक्सेप्ट हिम एंड मूव ऑन। मूव ऑन? तुम आसानी से अपना पति बदल सकती हो लेकिन मैं अपने डैड को नहीं बदल सकती, समझी तुम? ग्रीष्मा, एक्चुअली ब्लड प्रेशर की वजह से सांसें तेज चल रही है, ट्रैंक्विलाइजर दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा। टीनेजर इमोशनल होकर ऐसा कर देते हैं, माँ बेटी में ऐसा होता रहता है। थोड़ा रेस्ट कर लो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ओके, जस्ट रिलैक्स।
मुझसे खफा भीतर तेरे चुना रहे द्वेष भी बेचैन सा तुझ तक ये आता नहीं यारी तेरी यारी याद आ रही दीना तुम मुस्कान प्यारी होठों से तू वो कहना फिर सुन लो तेरी बातें सारी जीवन संगीत संग तेरे सुर तू ही मेरी सरगम मेरी जिद ने उनकी जान ले ली सर दरवाजे के उस पर थी अगर मैंने सही वक्त पर दरवाजा खोल दिया होता तो आज वो जिंदा होती सर आपने कहा था ना इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आत्माओं से बात कर सकते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैं करूंगी सर जानती हूँ वो वापस नहीं आएंगी बस एक बार उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ सर वन लास्ट टाइम सिसरा आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर पेन पर ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है यू हैव टू एक्सेप्ट दिस मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती सर सिसरा सिट एरिन पैवलीना 1985 में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाली यूके की पहली लेडी इसने डिटेल में अपना पूरा एक्सपीरियंस एक ब्लॉग में शेयर किया है जब पहली बार इसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया और जब आत्मा शरीर से अलग हो गई तब उसे अपने पूरे शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी और उसकी सांस फूलने लगी जो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपेरिमेंट करता है उसके मन में एक डर छा जाता है पहली बार आत्मा के शरीर को छोड़ देने पर जो तुम्हें दिखता है वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं एस्ट्रल वर्ल्ड है जब तुम्हारा माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है एंड यू विल सी नथिंग बट द ट्रुथ इसमें और एक खास बात है देर आर इक्वल नेगेटिव रिजल्ट्स अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जरा सी भी चूक हुई तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है ट्रस्ट मी सर आई कैन डू दिस यह है ब्रेन वेव मॉनिटरिंग डिवाइस जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी तभी ब्रेन की 100% एक्टिविटी इस डिवाइस में रजिस्टर होगी गुड लक इन अनदर डायमेंशन जस्ट रिलैक्स टेक अ डीप ब्रेथ कोई और विचार तुम्हारे मन में नहीं है योर माइंड इज जस्ट स्टिल एंड टोटली काम तुम्हें गहरी नींद आ रही है और तुम हिप्नोगॉगिक स्टेट में प्रवेश कर रही हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा पर तुम सब महसूस कर पाओगी सिसिरा अपनी मां की आखिरी यादें रिकलेक्ट करो सिसिरा अब तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है और तुम सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश कर रही हो सिसिरा स्लोली एंड स्लोली अमेजिंग रिलैक्स जस्ट ओपन द डोर Thank you.
रघु। तुमने इसके साथ? She'll be fine, sir. एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं लैब में ले जाऊं तो ठीक हो जाएगी। सर, सिसिरा, wake up! डॉक्टर, इमरजेंसी है, जल्दी यहां आ जाओ। जल्दी चलिए सर, इसकी जान खतरे में है। क्या हुआ सर? सर, गाड़ी क्यों रोक दी? माँ बेटी दोनों के लिए 20% ज्यादा नहीं मान रहा हूं। वो मर जाएगी सर। No pulse. She's gone. Okay. पीकर गाड़ी में सो रही थी और एसी की गैस की वजह से दम घुटकर उसकी मौत हो गई। माँ के मरने के बाद लड़की डिप्रेशन में थी, ये सब जानते हैं। लोग हमारी बातों पर यकीन कर लेंगे। अगर वो मुझे मार देते तो लोग उन पर शक करते, इसीलिए स्टोर रूम में बंद कर दिया। दूसरे दिन जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, मगर सिसिरा ने अपनी बॉडी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दी थी। अंतिम संस्कार से पहले हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बॉडी अपने कब्जे में कर ली।
उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया था और उसकी आत्मा गाड़ी में रह गई। वही तुम्हारे साथ भूत बन के घूमती है। रघुराम उसकी प्रॉपर्टी बेचने के फिराक में था, तभी एजेंट ने तुम्हें वो गाड़ी बेची। प्रोफेसर जी, अगर यही बात पुलिस को बताएंगे तो वो उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? नो, अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर देंगे। फिर तो अच्छा होगा ना कि सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। नहीं, बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। लकीली उसने बॉडी डोनेट कर दी और डोनेट की हुई बॉडी प्रिजर्व करते हैं। 3 हफ्ते पहले यह हादसा हुआ था। अगर लकी हुए और बॉडी डैमेज नहीं हुई होगी तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो सकता है। मतलब उसका शरीर और उसकी आत्मा जो उस गाड़ी में है दोनों को एक जगह पर लाया जाए तो रिवर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं और उसकी आत्मा को शरीर में वापस भेज सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। आत्मा एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। अगर उसे फिजिकल वर्ल्ड में रहना है तो उसे फिजिकल कंटेनर चाहिए जैसे शरीर। और सिसिरा के केस में एस्ट्रल प्रोजेक्शन उस गाड़ी में हुआ था, इसीलिए वो हर गाड़ी को एक कंटेनर की तरह देखती है और अपने शरीर का इंतजार उसी जगह कर रही है। अगर बॉडी को सही सलामत ले जाए तो देयर इज स्टिल होप। अरे हॉलीवुड, हाँ, ये प्रोफेसर ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में जो भी बताया मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये बताया बॉस, उसके लिए हॉलीवुड फिल्में देखनी पड़ती है। वो लड़की जिंदा है या मर चुकी है? वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बिना आत्मा के ना तो कोई जी सकता है और ना ही कोई मर सकता है। तक मैंने इतना बुरा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया था, और वो भी एक लड़की के साथ। तुमने कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें कुछ भी कह दिया। आज मैं तुम्हारे प्रोफेसर से मिला था, उन्होंने तुम्हारी पूरी कहानी बताई है। तुमने उस डॉक्टर को मार के बहुत अच्छा किया। तुम्हारे बारे में जानने के बाद मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सॉरी। तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर तक पहुंचा के रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। सिसिरा, शरीर में 206 हड्डियां होती है मगर इसमें तो सिर्फ 200। आप लाशों के डॉक्टर है ना? लाशों का डॉक्टर नहीं, हेड ऑफ एनाटॉमी डिपार्टमेंट। हु आर यू? हॉलीवुड हेड ऑफ। क्या चाहिए? वो एक डेड बॉडी चाहिए। इसे यहां से बाहर निकालो। बाहर निकालो इसे। गॉट इट। सर, 3 हफ्ते पहले सिसिरा नाम की एक लड़की की बॉडी हॉस्पिटल में डोनेट की गई थी। वो बॉडी हमें चाहिए। डोनेट की हुई बॉडी वापस नहीं मिलती। वैसे तुम लोग लड़की के क्या लगते हो? फ्रेंड्स? तब तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। सर, एक्चुअली वो लड़की मरी नहीं है सर। एक छोटी सी गलती की वजह से उसके शरीर से आत्मा अलग हो गई है। वो बॉडी आपके हॉस्पिटल में है और आत्मा मेरी गाड़ी में। अगर आप वो बॉडी दे देंगे तो हम उसे तो आत्मा से मिला। हाँ, सही पकड़े सर। उठो यहाँ से। क्या हुआ सर? निकलो। सर, हमारी बात तो सुनिए सर।
दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो शॉक ट्रीटमेंट दूंगा। लाशों के तस्कर कहीं के बिजनेस बना लिया सर। सर सुनिए, काम कराना सर। क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों चला गया? अरे यार, इसको कब से मैं समझा रहा हूँ लेकिन ये पागल समझता ही नहीं है। अरे कोई पढ़ा लिखा हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, और डॉक्टर्स इम्पॉसिबल। फिर हम क्या करें? अगर हमारी बात कोई नहीं मान रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, द नाइट ऑफ द हंटर। रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, सुसाइड केस लगता है। लेकिन ये सुसाइड नहीं हो सकता। She'll be fine, sir. एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं लैब में ले जाऊं तो ठीक हो जाएगी। कुछ तो प्रॉब्लम है। हेलो, मुझे सिसरा की बॉडी देखनी है। ओके सर। लोग तो मार के जेल जाते हैं, लेकिन हम पहली बार मरी हुई लाश चुराने के चक्कर में जेल जाएंगे शिवा। ए, 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 क्या कर रहा है? संभाल। अरे पार्किंग तो ठीक से कर ले, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हल्ला मच जाएगा। चलो इसको पहन लो, क्योंकि हम मुर्दा घर जा रहे हैं। जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है क्या? नो 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 नो। हॉस्पिटल में महंगे इक्विपमेंट्स है और तुम यहाँ नए आए हो, चौकर ना रहना, यहाँ चोर डकैत बहुत है। अरे मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? मेरा मतलब था कि मैंने बड़े बड़े चोरों को पकड़ा है, सच्ची में। आप रिलैक्स करो, मैं पकड़ूंगा। मेरा सिक्स सेंस कुछ बोल रहा है। मुर्दा घर। हाँ बबन, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अब बच के कहाँ जाओगे? क्यों बेटे, चोर के घर में चोरी करेगा? उस्ताद से उस्तादी। तू यहाँ? शिवा, बोला तुम लोग? ये तो अपना आदमी है। चोर ने मेरे को भागने दो। अरे हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम लोगों के, मुझे जाने दो यार। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब यहाँ क्या चोरी करने आया लाश? चोरी के धंधे में बहुत रिस्क है भाई, इसलिए मैंने चोरी करना छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से ये नौकरी लगी है और तुम लोग यहाँ भी आके मेरा पीछा करते। ए, हमको तेरी हेल्प चाहिए। ए, तुम्हारी मदद करके मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। मुझसे नहीं होगा। गाड़ी कहाँ है शिवा? पार्किंग में। इसे वहीं ले चलते हैं। रुको, गाड़ी में मत ले जाओ, क्या करना है बोलो, करता हूँ। एक डेड बॉडी चाहिए। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? कभी भूत के पीछे लगे रहते हो, कभी लाश के पीछे लगे रहते हो। तुम लोग आदमियों की अघोरी हो बे, तुम लोग शमशान में पैदा हुए। तू हमारी मदद करेगा या नहीं? अरे करना ही पड़ेगा। बोलो ना, नंबर क्या है? 9908892462। इसको किधर से उठा के लाया तुम लोग? तेरा नंबर नहीं पूछा मैं, हर डेड बॉडी का एक नंबर होता है, वो नंबर बता। नंबर तो नहीं मालूम, नाम तो पता होगा ना, बबन शिवा हॉलीवुड। उसका नाम सिसरा है। अबे कहीं और जाके चुनिया, हाउसफुल है। तुम अकेले मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अकेले? बाकी कमरे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है।
रजिस्टर लेने के लिए आया था सर। लेकिन क्यों? एक नई डेड बॉडी आई है ना, उसके लिए रजिस्टर चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? लवारिस डेड बॉडी है, कचरे के डब्बे में मिली, म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग लेके आए। बॉडी कहाँ है? वो रही सर, ये मर भी गया। पक्का अपनी बेवकूफी की वजह से मरा होगा। मॉर्चरी में ले जाओ। ठीक है सर। रुको सर, पहले बॉडी को एनाटॉमी लैब में रेडी करो। क्या है ये? नया बॉडी है, अंदर रखने का है। ठीक है। चोटू डराता है, चल। हाँ, अब चलो भाई चाय पी के आते हैं ना। कितनी ठंड है यहाँ। 2639 मिल गई, मिल गई। आजा, आजा, ये। कोई ये कैसे बोल सकता है कि ये मर चुकी है? ये तो अभी भी जिंदा है। ए, अगर कुछ देर और यहां रहे तो सीधे ऊपर। चल यहां से, चल यहां से, इसको बाहर ले चलते हैं। एक मिनट भाई। ए, शिवा, हॉलीवुड कहां गया? हॉलीवुड आजा। एक काम ठीक से नहीं कर सकते, मुझे ही सब करना पड़ता है। लाश को भी ठीक से नहीं बांधा है, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। बॉस, बॉस, बॉस! अबे गधे, तू हमें जनरल वार्ड क्यों लेकर आया? चल चुपचाप। गलती हो गया। डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर क्या हुआ? मेरे बेटे ने जहर पी लिया है, आपको इसे बचाना ही होगा। एक नंबर का पाना लेना। हम कोशिश करते हैं। ये हमारा इकलौता बेटा है डॉक्टर, फकीर ने हमें फंसा लिया। करता हूँ, करता हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर। इसका पिस्टन जाम हो चुका है, इंजन ऑयल निकालना पड़ेगा। अबे ये गाड़ी नहीं, बच्चा है। ओ, बच्चा है। क्या कर रहा है ये? डॉक्टर कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। कुछ करता हूँ। स्ट्रांग है डॉक्टर। अबे इसे पिलाने से अगर वो मर गया तो
वैसे भी वो कहाँ जीने वाला है। हाँ, हाँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर 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 मेरे बच्चे की जान बचा ली आपने, आप भगवान हो डॉक्टर। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप भगवान हैं। डॉक्टर इमरजेंसी है, हमें आत्मा को शरीर से मिलाना है, चलो जल्दी। चलो 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 यार चलो। लेफ्ट लेके राइट लेके लेफ्ट लेके निकल लो। सर इसी ने उन्हें लाया था। कौन थे वो लोग और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर इसने नया बॉडी तो लाया है मगर फिर भी एक बॉडी मिसिंग है सर। कहाँ है बॉडी? क्या किया तूने बॉडी का? कहाँ है बॉडी? क्या प्लान है तुम्हारा? बोल क्या किया बॉडी का? ए, चुप कर, मैं खा गया बॉडी को। हाँ खा गया। क्या बॉडी 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 करता है? बॉडी का शहर डालेगा तू? उधर जनरल वार्ड में लोग मर रहे हैं और तू बॉडी बॉडी करता है? काई के डॉक्टर है तू? That's it. You're fired. Yes, I'm fired. I'm the fire. I am the fire. हट यहाँ से। अगले बेटा नहीं तो फंस जाएगा। पकड़ो से। पकड़ो। ये लड़का ना कैच कर। चलो। अगले। भैया। शिवा। तुम्हारी भाभी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मैं उन्हें लेकर शहर आ रहा हूँ। मुझे चिंता हो रही है। तुम हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। क्या बात है भैया, भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मुझे वहां जाना होगा। अब इसका क्या करेंगे? तुम अनु को लेके हॉस्पिटल चले जाओ, मैं इसे लेके लैब में जाता हूँ। ओके। कुछ भी हो जाए लेकिन ये एक्सपेरिमेंट रुकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखो। तुम भी अपना ध्यान रखो। हाँ जाओ। हेलो, मैं हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में हूं। डॉक्यूमेंट का आईडी नंबर बताइए सर। वन सेकेंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आईडी नंबर 17305। और इनका नाम क्या है? सिथरा। सेकंड फॉर्म भर के सिक्योरिटी को दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। पेन। हाँ एक मिनट। हाँ पावर किसने ऑफ कर दिया यार?
सबके पास सर्जिकल नाइफ है? Yes, sir. अब मैं बताऊंगा इंसान के शरीर के ऑर्गेन्स को कैसे डाइसेक्ट किया जाता है. ओके? ओके सर. सबके सब निकम्मे हैं. लाश के कपड़े तक नहीं उतारे. ये क्या है सर? फॉर्मेलिन क्रीम. बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए लगाया जाता है. ओके? ये क्या कर रहे हो? अगर नंगे हाथ से लगाओगे तो हाथ जल जाएगा. ग्लव्स पहन लो. अब हम डिसेक्शन शुरू करेंगे. ओके? थैंक यू शिवा. शिवा गाड़ी लेकर आओ प्लीज. इट्स वर्किंग नाउ. शिवा हमें बॉडी को गाड़ी में ले जाना होगा. कम लेट्स डू इट. ड्राइवर
शिवा बच्चा पैदा होते ही मर गया। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। जब भी ये कंसीव करेंगे ऐसा ही होगा। वो कभी मां नहीं बन सकती। मन हल्का हो जाएगा। आप समझ लो कि यही हमारी किस्मत है। सब भूल जाओ। हमारी चिता को आग शिवा देगा। कौन सा पाप किया था कि मुझे तेरा बच्चा
राहें अंधेरी हैं, खुलती आंखें देख।
ये बहती हवा से जीवन खिल जाए, ये वाहे पर नैनों से आंसू ले जाए। ना कुछ सुने बिना, सुने बिना कहे बिना, ना कुछ कहे बिना कहीं भी रुकना मैं, ना कुछ सुने बिना कहे बिना रुकना रुकना मैं अब थमना। ना कुछ सुने बिना कहे बिना, ना कुछ कहे बिना कहीं भी रुकना मैं, ना कुछ सुने बिना कहे बिना रुकना रुकना मैं अब थमना। के बहाना तो ठग ले मेघायु, मन की आग बड़ी है तेज, मंजिल एक है राह अनेक है, राही तू चलता रहे।